सुप्रभात साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। देश की पहली स्वदेशी नेजल वैक्सीन परीक्षण में हुई पास, मिला ग्रीन टिक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 के खतरे के बीच भारत बायोटेक की स्वदेशी इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन केंद्रीय ड्रग्स लैबोरेटरी CDL कसौली के मानकों पर खरी उतरी है। प्रयोगशाला में एक सप्ताह तक दिन रात चले वैक्सीन के परीक्षण के बाद CDL ने नेजल वैक्सीन इनकोवैक को ग्रीन टिक दे दिया है। नेजल वैक्सीन के शुरुआत में 3 बैच पास हुए हैं, जबकि अन्य 3 बैच का क्वालिटी और कंट्रोल टेस्ट चला हुआ है। समय अवधि पूरी होने पर इन 3 बैच की रिपोर्ट भी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शिमला लिफ्ट कार पार्किंग का मामला। शिमला के पास लिफ्ट कार पार्किंग की बिजली पानी बंद करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मैसर्स शिमला टोल्स कंपनी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। वहीं नगर निगम शिमला ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1 करोड़ रुपए की अदायगी के बाद ही कार पार्किंग में बिजली पानी की आपूर्ति सुचारू की जाएगी। अदालत को बताया गया कि मैसर शिमला टोल्स कंपनी ने 21 जनवरी को 25 लाख रुपए की राशि निगम के पास जमा करवाई है। बाकी की 75 लाख रुपए की राशि कुछ ही दिनों में जमा करवा दी जाएगी। अदालत ने निगम के इस बयान को दर्ज करते हुए कंपनी की याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बनाई 13 कमेटियां। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अध्यक्ष RP सिंह की अध्यक्षता में 13 कमेटियों का गठन किया है। कमेटियों के इस 10 मैच में विभिन्न व्यवस्थाओं को देखेंगे। पिछले दिनों धर्मशाला में आयोजित बैठक में HPCA अध्यक्ष RP सिंह को इन कमेटियों के गठन का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं टीमों के स्वागत के लिए 8 सदस्यीय स्वागत कमेटी बनाई गई है, जबकि हाउसकीपिंग कमेटी में 4 सदस्य के अलावा 6 स्वयंसेवी होंगे। सुरक्षा कमेटी में 5 सदस्यों के साथ 6 स्वयंसेवी होंगे। श्रीनगर जाएंगे CM सुक्खू, भारत जोड़ो यात्रा के समापन में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज श्रीनगर जाएंगे। 30 जनवरी को मुख्यमंत्री भारत जोड़ो यात्रा के समापन में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कई मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का भी श्रीनगर जाने का कार्यक्रम है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को श्रीनगर में समापन होना है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू आज दोपहर को शिमला से बिलासपुर जाएंगे। विजयपुर स्थित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के पुत्र के शादी समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं दोपहर बाद विजयपुर से ही चंडीगढ़ जाने का कार्यक्रम है। शाम को मुख्यमंत्री चंडीगढ़ एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। वहीं रात्रि ठहराव श्रीनगर में होगा। 29 जनवरी को मुख्यमंत्री JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करेंगे। 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। शाम के समय मुख्यमंत्री श्रीनगर से चंडीगढ़ होते हुए शिमला पहुँचेंगे। बाजार में अब तक 10 से 12 हजार रुपए के जाली नोट चला चुका आरोपी, पूछताछ में कबूला। जाली मुद्रा मामले में गिरफ्तार आरोपी शाहिन अंसारी अब तक 10 हजार से 12 हजार रुपए का सामान खरीदकर बाजार में नकली नोट चला चुका है। रिमांड पर चल रहे आरोपी ने पूछताछ के दौरान यह बात कबूली। आरोपी ने घर पर तैयार किए 50-100 रुपए के जाली नोटों से कालांब सहित नाहन और पांवटा साहिब के बाजारों से सामान खरीदा। वहीं पुलिस ने आरोपी के घर से लैपटॉप, प्रिंटर और कागज कब्जे में ले लिए हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो आरोपी ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि उसने जाली नोट स्वयं घर पर तैयार किए और जाली नोटों से खरीदारी भी की है। बताया जा रहा है कि आरोपी के घर वालों को भी पता नहीं था कि वो जाली नोट छाप रहा है। उसने अपने घर वालों को बता रखा था कि वो ऑनलाइन काम करता है। फिलहाल आरोपी का संबंध किसी बड़े गिरोह से होने की बात सामने नहीं आई है। रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद 28 जनवरी को आरोपी को दोबारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में हिमस्खलन, प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल के चंबा जिले के पांगी में आसा नाले और अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल के समीप पहाड़ी से हिमस्खलन हुआ।
हिमस्खलन से कोई जानमाल का नुकसान नहीं है, हालांकि अटल टनल के पास हिमस्खलन से मनाली केलांग हाईवे 11 घंटे तक बंद रहा। वहीं प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहेगा। कल और परसों प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने के आसार हैं। पिछले कल राजधानी शिमला सहित प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। आईपीएस अधिकारी सतेंद्र पाल सिंह आवास और शहरी मामले मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी सतेंद्र पाल सिंह को आवास और शहरी मामले मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। सतेंद्र को डीजीपी संजय कुंडू व अन्य अधिकारियों ने नए जिम्मेवारी के लिए बधाई दी है। साल 2021 में आईपीएस सतेंद्र पाल सिंह को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा जा चुका है। मंडी में बागवानी विभाग का सिद्धपुर उत्कृष्टता केंद्र सरकार ने किया बहाल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला मंडी में बागवानी विभाग का सिद्धपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहाल कर दिया है। कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने ही फैसले पर बैकफुट में चली गई है। सरकार अब तक 600 से ज़्यादा विभागों और कार्यालयों को बंद कर चुकी है। बहाल किए गए सेंटर को ही सबसे पहले सरकार ने बंद करने की अधिसूचना जारी की थी। वहीं प्रदेश में भाजपा सरकार के विदाई लेने के बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने सेंटर को बंद करने की अधिसूचना गत 17 दिसंबर 2022 को जारी की थी। वहीं अब सरकार ने इस सेंटर को लेकर नई अधिसूचना संख्या HTCA 13/2018 VOL 4 जारी की है। राज्य के सचिव उद्यान अमिताभ अवस्थी ने यह अधिसूचना जारी की है। गौर हो कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने अगस्त 2022 में इस सेंटर को खोलने की अधिसूचना जारी की थी। 14 लाख महिलाएं 1500 रुपये प्रति माह पाने के लिए पात्र, कैबिनेट सब कमेटी में हुआ मंथन। हिमाचल प्रदेश में 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने के लिए घोषित मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना को लेकर पिछले कल राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी ने मंथन किया। वहीं कमेटी की प्रारंभिक बैठक में 1500 रुपये मासिक देने के लिए 14,19,492 महिलाएं पात्र मिली हैं। इस राशि को देने पर सुखू सरकार पर सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। वहीं इस आयु वर्ग की कुल 22 लाख महिलाओं में से 8,21,000 महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर पाई गई हैं। ओल्ड पेंशन पर केंद्र सरकार का नया पैंतरा, ओपीएस के बाद घट सकती है ऋण की लिमिट। नई पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन योजना में जाने वाले राज्यों की संख्या बढ़ता देख केंद्र में एक नया पैंतरा चला है। ऐसे वक्त में जब हिमाचल सरकार भारत सरकार को चिट्ठी भेजकर यह सूचना दे चुकी है कि राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन में जाने का फैसला ले लिया है, दिल्ली से एक नया ऑफर आया है। राज्यों को भेजे गए पत्र में केंद्र ने पूछा है कि राज्य न्यू पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन में हर साल कितना भुगतान कर रहा है। इस राशि के बदले राज्य को अतिरिक्त लोन लेने की अनुमति दी जा रही है। वित्त विभाग के अधिकारी आशंकित हैं कि अभी सिर्फ एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बदले लोन लेने की बात लिखित रूप में की गई है, लेकिन इसके बाद यह शर्त भी लगेगी कि यदि ओल्ड पेंशन में गए या एनपीएस का कंट्रीब्यूशन बंद किया तो उतनी राशि संबंधित राज्य की लोन लिमिट से काटी जा सकती है। ऐसा हुआ तो हिमाचल को ओल्ड पेंशन लागू करने के बाद लोन की लिमिट में कटौती भी झेलनी पड़ सकती है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।